सो हे गाइस, यार कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में एवरग्रीन माउंटेन लाइफ सिमुलेटर में। तो भाई जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि भाई ये एक तरह का सिमुलेटर है, मतलब कि माउंटेन लाइफ। और यहाँ पे एक जानवर है, ओ ये कोई हिरन है क्या? ओ मतलब यहाँ पे जंगली जानवर भी होंगे, ओ भाई साहब। सो गाइस, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे लाइफ स्पेंड करनी है और मेरे पास एक मैप है जिसके अंदर बहुत सारे लैंड दिए हुए हैं। मतलब बहुत सारे तो क्या यार, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पांचवे लैंड पे मैं खड़ा हूँ अभी। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये लैंड है एक तरह का, मतलब यहाँ पे मुझे जमीन मिली हुई है और यहाँ पे पांच जगह है जहाँ पे मुझे जमीन मिल सकती है। तो वैसे ये एक पानी के बीच का एरिया भी है, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यार ये वाला मतलब मेरे को और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये वाली जगह। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे जगह दी हुई है और यहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी भी है, प्लस ये जो ब्लू ब्लू सा निशान है ये मेरा, और यहाँ पे गाइस पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पे 3 पेट्रोल पंप है, 1, 2 और ये वाला 3। यहाँ पे कुछ मतलब आई थिंक, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ सिटी टाइप लग रहा है छोटा सा। आई थिंक ये वाला लैंड सबसे बेस्ट हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पे शॉप भी है, प्लस यहाँ पे सिर्फ अगर मैं पानी वाली जगह पे जाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप है। तालाब जैसा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा तालाब है भाई। तो गाइस ये जगह अपने को मिली हुई है, धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे भाई, अभी तो मैंने कोई एक्सप्लोर नहीं किया। और ये क्या है, लोमड़ी? अरे भाई ये लोमड़ी थी, फॉक्स, रेड फॉक्स। तो गाइस मैं एक जंगल में हूँ और मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है, और मुझे सरवाइव के लिए यहाँ पे दी गई हैं 3 चीजें। एक पिकैक्स है, ओके इसको हॉट बार में रख लेता हूँ। एक हैमर है, आई थिंक ये बिल्डिंग हैमर है। और एक एक्स है, यानी कि एक कुल्हाड़ी है मेरे पास। अब देखो ये जो कुल्हाड़ी होती है काटने के लिए होती है, और ये जो पिकैक्स होती है ये खोदने के लिए होती है। मतलब इसमें हमें पत्थर वगैरह खोदने होंगे, जमीन वगैरह खोदनी होगी, और भाई इससे तो पता है आप लोगों को लकड़ियाँ वगैरह काट सकते हैं हम इससे। बाकी गाइस ये जो हैमर है इससे हम शायद से बिल्डिंग कर सकते हैं, आई थिंक एफ दबा के, यस गाइस इससे हम बिल्डिंग कर सकते हैं, लेट्स गो। और डेस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बिल्डिंग्स को। और बाकी आप यहाँ पे मतलब आप नीचे देख सकते हो भाई, ये शायद मेरा फूड बार है जो आप नीचे देख सकते हो, और अभी मेरा आधा पेट भरा हुआ है और आधा खाली है अभी। तो चलो गाइस पेट वेट को तो भरेंगे भाई, अब देखना पड़ेगा इसमें कुछ खाने के लिए भी लेना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है। बाकी हमारे पास 5 होट बार है जिसमें से 3 तो अभी भर गए हैं और 2 खाली हैं, और ये मेरा इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री काफ़ी बड़ा है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 स्लॉट है मेरे पास इन्वेंट्री में, काफ़ी बड़ा स्लॉट है। आई थिंक गाइस देखो, या तो हम जानवरों को पाल सकते हैं ठीक है, या फिर हम जानवरों का शिकार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है इसमें। बाकी गाइस देखो ये एक सर्वाइवल सिमुलेटर है, तो डेफिनेटली गाइस या तो हम उनको मार पाएंगे या फिर हम उनको पाल पाएंगे। और ये गाड़ी है मेरे पास, और ये एक तरह का 4x4 ट्रक लग रहा है भाई, ये पिकअप ट्रक है गाइस। और इसमें आई थिंक भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ना गाइस, ओ गाइस इसमें स्टोरेज है, मतलब मैं इसमें सामान भी रख सकता हूँ, ओ भाई। तो मतलब गाइस ये तो एक तरह का ऐसा हो गया कि भाई मतलब इससे मेरे को सामान लाना पड़ेगा, और इसमें पीछे जगह भी है थोड़ी सी। तो चलो भाई अभी चलते हैं सीधा हम, पहले मैं एक बार शॉप देख लेता हूँ जा करके कि शॉप में क्या क्या है। अरे आगे से हट जा भाई, अरे यार मैं तो वॉल्यूम ठीक करने के लिए उतरा था गाड़ी से और यहाँ गाड़ी मेरी ठुक गई है। चलो कोई ना, अभी गाड़ी को तो कोई नुकसान, ओके गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ मेरी, थोड़ी पीछे लेते हैं भाई, मेरे को इसका साउंड थोड़ा कम करना था गाड़ी का। और भाई यहाँ पे ना इन्वायरमेंट की साउंड बहुत प्यारी आ रही है लिटरली गाइज, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। बाकी पता नहीं भाई यहाँ पे जानवर वगैरह भी है या नहीं है, आई डोंट नो गाइस, वो तो हम खेलेंगे तो पता चलता रहेगा धीरे धीरे। तो गाइस शॉप के लिए हमें राइट लेना होगा, और धीरे धीरे भाई मैं रास्ते भी याद कर लूँगा यहाँ के। फिलहाल तो यहाँ पे रोड वगैरह नहीं है भाई, कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे, और आई थिंक मुझे राइट लेना है तो पेट्रोल पंप और वो जो शॉप है वो आ जाएगी। तो ये रहा गाइस एक तरह का पेट्रोल पंप, थोड़ा धीरे चलाऊंगा मैं, मुझे ठोकना नहीं है यहाँ पे, ओके मैं स्पेस से ब्रेक भी मार सकता था। सो फिलहाल गाइस यहाँ पे किसी तरह का वेयर हाउस और ये पेट्रोल पंप, ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं यहाँ पे भाई, बड़े क्यूट से घर है। मैं इनके अंदर जा सकता हूँ? वो यहाँ पे आदमी भी है कुछ, मतलब यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी सिविलाइजेशन है यहाँ पे, मतलब ओके। तो भाई क्या मैं इनसे बात बात कर सकता हूँ? ओके ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो छोड़ो गाइज मैं इनके घर में भी नहीं जा सकता हूँ। आई थिंक भाई ये सिर्फ ऐसे ही है, यहाँ की दुनिया अलग है, मुझे अपनी दुनिया अलग बनानी पड़ेगी बस। हाँ ये है कि यहाँ पे कि किसी तरह का छोटा मोटा मार्केट बना दिया है जहाँ पे मैं आ सकता हूँ। बाकी ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं गैस भरवा सकता हूँ, और यहाँ पे भाई रिफ्यूल करने के लिए मुझे $8 लगेंगे। अभी पेट्रोल कितना है? अभी तो पेट्रोल है यार, आई थिंक फुल है पेट्रोल,
तो अभी हम कोई पेट्रोल वेट्रोल नहीं भरवाते, बाकी मैं एक बार शॉप और ट्राई करना चाहूँगा। मैं यहाँ के शॉप देखना चाहता हूँ किस तरीके की शॉप है भाई, वहाँ पे क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे पार्किंग भी है, लेट्स गो, पार्किंग लगा देते। बाकी भाई मेरी ड्राइविंग कुछ इतनी खास नहीं है। अरे यार ब्रेक तो लगाने। तो मुझे शॉप के लिए कहाँ अंदर जाना पड़ेगा? ओके हाँ अंदर जाना पड़ेगा, लेट्स गो। तो गाइस मैं शॉप में आ चुका हूँ, यहाँ पे बेडरूम, बाथरूम, किचन, लाइट, ये अच्छा यहाँ पे सामान मिल रहा है। ओके फूड भी है यहाँ पे, बट गाइस मेरे पास 0 रुपीज है, मतलब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो भाई देखो यहाँ पे फूड मिल रहा है, बीफ स्टू। ओके यहाँ पे कुछ नॉन वेज है और कुछ यहाँ पे वेजिटेरियन भी है, और यहाँ पे प्लांट्स भी है, गार्डन। ओके मतलब मैं अपने अपना खुद का खेत भी बना सकता हूँ, और छोटे मोटे यहाँ पे पेड़ वेड़ के गमले भी है जो छोटे मोटे शोपीस टाइप है। बाकी यार मैं जंगल में रह रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी हाँ ये गार्डन के लिए मुझे सीड की जरूरत पड़ सकती है, आई थिंक ये किसी तरह के सीड है जिसमें कैबेज भी है, बंद गोभी है भाई, और यहाँ पे गाजर है, और खीरा भी है, आलू भी है, बाकी छोटे मोटे प्लांट्स और कुछ टूल्स भी हैं। मतलब मैं टूल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ, यानी कि मेरे टूल्स क्या टूटेंगे, आई डोंट नो गाइस, या फिर ड्यूरेबिलिटी होगी उनकी। और यहाँ पे भाई वाटर कैन भी है, अगर मैं जैसे गमले वगैरह लगाता हूँ तो उनको बड़े करने के लिए, पानी देने के लिए। और यहाँ पे पेंट ब्रश भी है, मतलब मैं जो घर बनाऊंगा उसको पेंट भी कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे फ्लैश लाइट है, रात को मुझे इसकी डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी भाई, तो ये मेरे को खरीदनी चाहिए, बट अभी मेरे पास 0 रुपीज है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो मुझे पैसे कमाने होंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? बाकी हंटिंग के लिए यहाँ पे फिशिंग रोड भी है, मतलब मैं मछलियाँ पकड़ सकता हूँ और मैं भाई हंटिंग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक शॉटगन दी गई है, बोल्ट शॉटगन, और यहाँ पे उसके शेल भी हैं भाई। इतनी तो अभी औकात नहीं है, पैसे वैसे 0 है बिल्कुल। बाकी यहाँ पे अदर्स आइटम है जिसमें कि भाई वॉशर वगैरह भी है। वॉशर मतलब कपड़े वपड़े भी कुछ सीन है क्या इसमें? टीवी भी है, गेम कंसोल भी है भाई, रेडियो भी है इसमें, और हीटर भी है इसमें। ठीक है मतलब यहाँ पे मौसम भी चेंज होगा, तो ये गाइस डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले सिमुलेटर में। और धीरे धीरे मेरी भूख बढ़ती जा रही है भाई, रेड पे आ गया मेरा भूख का। एंड गाइस यहाँ पे देखो हम सेल भी कर सकते हैं, हम पत्थर सेल कर सकते हैं, एक पत्थर $20 का। हम फाइबर यानी कि कुछ फूस होता है ना गाइस, जो फूस आप लोगों को पता होगा, वो भी बेच सकते हैं, यानी कि फाइबर। और लोग भी हैं यहाँ पे, लकड़ियों के गट्ठे और प्लैंक भी है। बाकी यहाँ पे हम जब खेती बाड़ी करेंगे तो हम ये गाजर वगैरह, खीरे वगैरह, आलू गोभी, ये सब बेच सकते हैं। बाकी हम अगर हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में सबसे ज़्यादा पैसे है भाई साहब, मतलब फिशिंग में और हंटिंग में सबसे ज़्यादा पैसे है गाइस, देख रहे हो यहाँ पे। मतलब अगर मैं फार्मिंग वगैरह करता हूँ तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, बट यहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। जैसे मैं लेदर बेचता हूँ हिरन का तो $200 का है, और यहाँ पे भाई बड़ी वाली मछली पकड़ता हूँ तो वो $150 की है। मतलब हंटिंग में अच्छा पैसा है भाई, रहा नहीं जाता। चलो गाइस फिलहाल तो अभी हमें ऐसा लगता है कि पत्थर वत्थर तोड़ने पड़ेंगे, और रात होनी शुरू हो गई। यार मेरे को अपना काम है ना पहले शुरू कर देना चाहिए था गाइस। मुझे लगता है मुझे यहीं आसपास का ही हंटिंग या फिर कुछ काटना तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं अपने घर पे जाके तो वहाँ पे काटना पीटना नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इतनी दूर से मैं काट पीट के लेके आऊँगा। अरे पीछे हो जाता हूँ भाई, कभी पता लग रहा है मेरे मुँह पर गिर जाए। तो अगर मैं इतनी दूर से लकड़ियाँ काट के लेके आऊँगा तो डेफिनेटली रात हो जाएगी। पहले मुझे प्लैंक बनाने हैं इसके। ओके प्लैंक बन गए, पहले तो इनके लकड़ियाँ बनती हैं, मतलब लॉक्स बनते हैं, और फिर उनको तोड़े तो हम प्लैंक भी बना सकते हैं, मतलब फट्टे बना सकते हैं। ये कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड है, बट रियल लाइफ तो नहीं है, बट ये एक तरह का सिमुलेटर है। और पत्थर भी हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन बनाया है भाई, नाइस यार। ये रेंच सिमुलेटर के बाद गाइस मेरे को लगता है कि ये वाला सिमुलेटर काफ़ी फेमस होने वाला, और ये अभी हाल ही में ही रिलीज़ हुआ है। इसको रिलीज़ हुए आज शायद से 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई, मतलब रेंच सिमुलेटर से तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी गाइज मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे पत्थर वत्थर तोड़ लिए हैं, और लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी तोड़ ली है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और वुड कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली गाइज यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे कमाने। तो क्या लकड़ियाँ महंगी है या फिर ये फट्टे महंगे हैं, मुझे देखना चाहिए था रेट। और इससे मुझे फाइबर मिलेगा, जो छोटे वाले पेड़ होते हैं इनसे फाइबर मिलता है, तो एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये देखो ये मिला फाइबर, तो इस तरीके से मुझे फाइबर मिलेगा छोटे पेड़ों से। तो चलो गाइस मैं थोड़े से ये पेड़ पेड़ इकट्ठे कर लेता हूं। ओके
ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई मेरा इन्वेंट्री पूरा फुल हो चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। बस अब मुझे जाना पड़ेगा शॉप पे। क्या मैं यहाँ से शॉप एक्सेस कर सकता हूँ? ओके, पीछे से नहीं सामान बेच सकता भाई, मुझे आगे जाना पड़ेगा। एंड यार मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है मुझे। ओके, मैं यहाँ से कोई सी भी शॉप एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हम सेल करेंगे स्टोन्स, तो मैं सारे ही स्टोन सेल कर देता हूँ जितने भी मेरे पास है। ओके, यहाँ पे $340 के मैंने स्टोन बेचे हैं। अब देखूंगा गाइस फायदा किस चीज़ में हो रहा है, स्टोन में हो रहा है, फाइबर में हो रहा है, वुड में या प्लैंक में। ओके, टोटल 640 हो गए। ओके गाइस, तो भाई मेरे को फायदा स्टोन में, फाइबर में और लॉक्स में, मतलब मुझे प्लैंक्स नहीं बनाने चाहिए क्योंकि प्लैंक्स यहाँ पे सस्ते बिक रहे हैं, प्लैंक्स ज़्यादा महंगे नहीं बिक रहे हैं भाई। तो इसका मतलब गाइस मेरे पास $800 हो गए हैं, तो मुझे कुछ खाने का खरीदना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, कैंडेड बीफ या फिर ब्रेड। गाइस ब्रेड सबसे सस्ती है भाई यहाँ पे, और ब्रेड एक अच्छा फूड हो सकता है, तो मैं थोड़ी बहुत ब्रेड ले लेता हूँ। और अपने इन्वेंट्री में, क्या मेरे इन्वेंट्री में ब्रेड आ गई है? ओके, मेरे इन्वेंट्री में ब्रेड आ गई है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसको खा सकता हूँ। ओह नाइस, ओके मेरा फूड ऑलमोस्ट फुल होने वाला है और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करने वाला हूँ गाइस। और मैं फूड थोड़ा और ख़रीद लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा फूड ख़रीदना चाहिए। अच्छा, इसमें वाटर बार नहीं है तो मेरे को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस अभी थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़े पैसे कमाने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइस मैं हंटिंग तक का सामान यहाँ पे ख़रीद लूँ। सो गाइस मैंने अपने लिए एक फ्लैश लाइट ले ली है और मैंने थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए। तो ओके, अब इस फ्लैट लाइट से भाई कम से कम मैं देख सकता हूँ और आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि क्या मैं फ्लैश लाइट जला के हंटिंग कर सकता हूँ या फिर लकड़ियाँ काट सकता हूँ? गाइस पूरा अंधेरा हो गया भाई और मेरे को लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है भाई। तो मुझे लगता है गाइस यहाँ पे फ्लैश लाइट का कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा यार, क्योंकि यार वैसे तो ये एक तरह से रियल लाइफ की तरह ही हो गया। या तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या फिर मैं ये फ्लैश लाइट जला करके अपने हाथ में चल सकता हूँ। आई थिंक ये चलने के लिए ही है बस, बाकी इससे और कोई काम नहीं होता भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े बहुत ये लकड़ियाँ और मैंने तोड़े, ये बेच करके अब मैं हंटिंग का सामान ले लेता हूँ गाइस, क्योंकि गाइस अब मैं हंटिंग करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो हो ही चुके हैं कि मैं हंटिंग तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत गोलियाँ भी ख़रीद ली हैं और मेरे पास एक शॉटगन आ गई है। और गोलियाँ कहाँ हैं भाई? आई थिंक पहले देख लेता हूँ इसमें रिलोड करके। ओके, मेरे पास 19 गोलियाँ हैं। मैं मुझे लगता है गाइस मुझे थोड़ी सी और गोलियाँ ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार नहीं आना चाहता। एक फिशिंग रोड अभी नहीं ख़रीदते गाइस, मैं एक बेडरूम का सामान ख़रीदना चाहता हूँ। मैं एक बेड ख़रीदना चाहता हूँ ताकि मैं सो सकूँ अपने घर पर चैन की नींद। और बाकी एक अलमारी ले लेता हूँ, वार्ड रोड, जहाँ पर मैं कुछ सामान रखूँगा, जैसे मैं कुछ लकड़ियाँ वगैरह तोड़ूँगा। भाई ये साबुन वगैरह मेरे को अभी भी नहीं लगता कि ख़रीदने चाहिए। वार्डरोब तो चलो यही ले लेते हैं। अरे ये क्या है भाई? अच्छा, ये अलग अलग डिज़ाइन के हैं, मैं कह रहा सेम रेट के सेम। ओके, ये बेड साइड टेबल है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक वार्डरोब लेना चाहिए और मैं ये फ्लैट वाला लूँगा। ये इसमें ज़्यादा डिज़ाइन है, सिंपल सा है, क्योंकि फिर मैं इस बाद में इसके ऊपर भी कुछ रख पाऊँगा, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, और बाकी क्या लूँ मैं? एक टेबल ले लूँ जो बेड के साइड में लगाऊँ, जिस पर मैं एक लैंप रखने वाला हूँ। चलो मैंने एक ड्रेसिंग टेबल ले लिया है, बाकी मैं एक लाइट ले लेता हूँ क्योंकि यार अंधेरे में तो मैं क्या ही रहूँगा वहाँ पे। तो मैं एक ये लैंप ले लेता हूँ जो कि स्टूल के ऊपर ईजी पीजी लग जाएगा। या सस्ते वाला ले लूँ क्या, डेस्क लैंप या फिर टेबल लैंप ले लेता हूँ। यार ये टेबल लैंप ठीक है, $30 का ही है। बाकी गाइज मेरे पास काफ़ी सारा सामान हो गया है। आई थिंक वो सब मेरे हैमर में हो गया होगा, जो मैंने अभी ये जो सामान लिया वो कहाँ लग गया? गाड़ी में चला गया क्या? देखना पड़ेगा कभी स्कैम हो गया हो। गाड़ी में तो नहीं है यार कुछ भी, मुझे लगता है गाइज मेरे साथ स्कैम हो गया यार। फिर वो सामान है तो कहाँ है भाई, क्योंकि सामान तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी। शायद वो सामान मेरे घर पर ऑलरेडी शिपमेंट हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है भाई। बाकी गाइस मैं यहाँ से थोड़ा फूड ले लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे बार बार ना आना पड़े। चलो गाइस, एक मैंने थोड़ा बहुत फूड ले लिया है ताकि मेरे को यहाँ पे ना आना पड़े। और अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ, लेट्स गो। मतलब घर तो क्या है भाई, अभी तो घर बना ही नहीं है, और वहाँ जा करके घर बनाते हैं क्योंकि अपने अभी अपने पास लैंड है, घर नहीं है। और मुझे हेडलाइट जला लेनी चाहिए।
ये लो। अरे भाई साहब ठुक गई यार गाड़ी। अरे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है क्या? अरे बंदी है ये, बंदा नहीं है, छोड़ो भाई। बाकी गाइस यहाँ पे देखो एक हिरन है, क्या मैं उसका शिकार कर सकता हूँ? कर पाया तो उसका शिकार। अरे उसको मैंने मारा तो सही गाइस। ये रहा, क्या ये रुकेगा? अरे यार वो भाग गया जंगल में, क्या मेरा एक गोली खराब गई? नहीं नहीं नहीं, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। अरे यार अंधेरे की वजह से मैं इस पे शिकार नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका। क्या मर गया? ओ गाइस वो मर गया, लेट्स गो। चलो लाइट जलाते हैं। ओके ये मर गया है तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके मेरे को फैदर और रॉ मीट वगैरह सब कलेक्ट हो गया। ओ भाई मेरे को लगता है गाइस $200 का जुगाड़ हो गया है अभी। हाँ $200 का जुगाड़ हो गया गाइस। तो मैं अभी इसको बेचने वाला नहीं हूँ, पहले तो भाई घर चलते हैं, थोड़ा घर बनाते हैं। भाई साहब मैंने शिकार ही कर लिया पहले दिन, लेट्स गो बॉयज। मुझे लगता है गाइस मैं इस गेम में प्रो बनने वाला हूँ। बाकी फिलहाल तो गाइस घर की तरफ चलते हैं, जो अपने पास एक लैंड है जहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं। यार मुझे लगता है ना मुझे पानी के पास घर बनाना चाहिए यार, पता है क्यों? क्योंकि यार मैं गाड़ी का यूज़ भी फिर अच्छा हो जाएगा और पानी के बीच में होगा ना, तो मैं वहाँ पर फिशिंग वगैरह कर पाऊँगा। हो भाई मुझे लगता है मुझे वहीं जाना चाहिए। चलो गाइस अपन उसी वाले लैंड पर चलते हैं। ओके गाइस तो भाई यहाँ पे दिन भी हो चुका और मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ, आई थिंक यही वो जगह है। ओके यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी भाई अपने को, बट अपना ट्रक भाई यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर लेगा। तो चलो देखते हैं ये कैसी जगह होने वाले। भाई साहब क्या ही नज़ारा है यार, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार ये जगह। देखो सामने कितने बढ़िया काले काले बादल जा रहे हैं, आई थिंक बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो क्या, लेकिन यार मैं यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता। ओके मैं समझ गया गाइज, ये लैंड अभी क्लेम नहीं है, मतलब इसको मुझे या तो खरीद, ओ मैं पानी के अंदर से भी नहीं जा सकता भाई वहाँ पे। ओके तो मतलब ये लैंड पहले मुझे खरीदना पड़ेगा। ओ भाई मैं मर जाऊँगा डूब के, उसके बाद मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। अरे यार ये तो मतलब इसको वन बाय वन खोलना पड़ेगा इन सभी, मेरे को जितने भी यहाँ पे लैंड है इनको। फिलहाल तो अभी अपने पास ये वाला लैंड है पेट्रोल पंप के पास वाला, जो सिटी के पास है, मतलब एक छोटी सी सिटी है। तो चलो यार अब वापस चलते हैं वहीं पर उसी जगह पे और वहाँ पे अपना डेरा बसाते हैं, यानी कि अपना घर बनाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके जाने वाला हूँ वापस अपने उस जगह पे। बाकी गाइस ये वाला ट्रक बहुत बढ़िया है गाइस, ये वाला मतलब ये वाला ट्रक भाई रेंच सिमुलेटर से तो अच्छा ही है। बाकी यहाँ पे गाइस एक फॉक्स है, इसको जाने देते हैं भाई। मुझे लगता है गाइस ये वाली गाड़ी ना टाटा की है, क्योंकि भाई ये गाड़ी ठुकती है तो भाई इसमें कुछ होता ही नहीं है यार, मतलब टाटा का लोहा है भाई ये, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल गाइस मैं अपनी जगह पे पहुंचने वाला हूँ, जो जगह मेरे को पुस्तैनिक में मिली है। ओके गाइस तो यहाँ पे भाई मैं अपने जगह पे पहुंच गया हूँ, बस ये ऑफ रोडिंग करनी है यहाँ से थोड़ी सी, एंड हैव वी गो गाइस। ओके गाइस अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं भाई, अपनी गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है। एंड डेफिनेटली गाइस अब मैं यहाँ पे हथौड़ा लेने वाला हूँ हाथ में, और मेरे पास थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं, मतलब थोड़े बहुत प्लैंक है, और यहाँ पे थोड़े बहुत लॉक्स भी है जिनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ और इनसे प्लैंक बनाने वाला हूँ। क्योंकि भाई जो हमारा घर है वो प्लैंक से ही बनेगा, या तो मैं या तो हम उसको पत्थर से बना सकते हैं या फिर हम उसको प्लैंक से बना सकते हैं, ये दो ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो हम तो अभी डेफिनेटली गाइस प्लैंक से बनाने वाले हैं, क्योंकि पत्थर से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा हमको। तो यहीं पर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं एक फाउंडेशन लगाने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं अपने घर का मुंह उस तरफ ही रखने वाला हूँ भाई, नीचे की तरफ जहाँ से हमारी गाड़ी आएगी। तो यहाँ पे जगह थोड़ी ऊपर खाबड़ है। ओके तो एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, और एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ओके फिलहाल गाइस मैंने अपने घर को यहाँ पे बना दिया है, मतलब फाउंडेशन उसकी बन गई है, और अब बना देते हैं वॉल। तो सबसे पहले मैं एक विंडो वाली वॉल बनाऊंगा, और इसको रोटेट करने के लिए माउस का व्हील यूज़ कर सकते हैं। क्या ये दोनों तरफ से एक जैसी है? आई डोंट नो। बाकी गाइस मुझे लगता है एक खिड़की मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए। ओके मैं छोटी वाली लगाऊं या बड़ी वाली? आई थिंक ये बड़ी वाली लगानी चाहिए। तो ओके एक खिड़की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ गाइस, और एक खिड़की मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे करके, यहाँ पे। और बाकी गाइस मैं वॉल लगाऊंगा सिंपल प्लेन वॉल। तो एक वॉल लगेगी यहाँ पे, एक वॉल घुमा के यहाँ पे, एक इधर।
क्या मेरे पास मटेरियल, ओके गाइस मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया, तो फटाफट वुड इकट्ठा कर लेते हैं भाई बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ओ गाइस ये क्या है, ओ यहाँ पे किसी तरह का मूर्ति है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? नहीं गाइस इसको हम तोड़ नहीं सकते। ओ यहाँ पे हिरन भी है, लेट मी चेक, मुझे इसकी हंटिंग करनी होगी। ओके मैंने उसको एक गोली मार दी है, वो जैसे रुकेगा मैं उसको दूसरी गोली मारूंगा एंड देन डेफिनेटली हम इसको, यस क्या ये मरा, अभी मरा क्यों नहीं है, क्या ये तीन गोली खाएगा? ओके गाइस मुझे ऐसा लगता है गाइस ये बंदूक ना, ये शॉटगन कम लग रही है, ये स्नाइपर ज़्यादा लग रही है भाई, ये कार 98 जैसी लग रही है जैसे पबजी मोबाइल में होती थी। बट कोई बात नहीं गाइस, ये थोड़ा वैसे लिटरली गाइस ये बंदूक मेरे को सच में ये शॉटगन नहीं लग रही है, मुझे ये तो स्नाइपर जैसी लग रही है। ओके चलो इसको स्नाइप कर लेते हैं फिर। एंड डेफिनेटली गाइस इसमें जितने भी जानवर है ये दो बुलेट से ही मरेंगे, तो यहाँ पे मेरे को दो ही रिलोड दी गई हैं एंड पांच रिलोड है इसमें। ओके पांच रिलोड है इसमें, इनको मैं अपनी गाड़ी में स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मेरा इन्वेंट्री फ्री हो जाएगा। एंड भाई इतना सारा काम कर लिया तो मेरे को भूख भी लगने वाली है, बट मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ओके और ये मेरे को एक हेड भी मिला था एंटलर, इसको भी कर देता हूँ। बाकी हम गाड़ी के स्टोरेज को आई थिंक बड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये मुझे नहीं पता। बाकी देख रहे हो ये गत्ते बने हुए आ गए जैसे मैंने इसमें चीज़ें डाली। बाकी चलो भाई अभी हम सीधा घर बनाने पे आते हैं और घर को मैं थोड़ा शानदार आलीशान बनाऊंगा। एक दीवार यहाँ लगेगी और इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइज यार अभी रात हो गई है और यहाँ पे मैंने अपने गाड़ी की लाइट जला दी क्योंकि भाई मैं रात को भी अपने बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। और यार यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं। ओके तो मैं रात को भी भाई अपनी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। वैसे तो गाइज रात हो गई और सच में यार अब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। मुझे लगता है गाइज मुझे यहाँ पे ना बेड वेड लगा लेना चाहिए, तो मेरे पास कुछ बेड थे तो मैं देखता हूँ ये लगा करके क्या इसके ऊपर अगर मैं सोऊंगा तो क्या दिन हो जाएगा। चलो देखते हैं, फिलहाल गाइस घर के अंदर तो अंधेरा हो गया कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहीं पर अपना बेड लगा लेता हूँ और इस पर सो के देखता हूँ क्या दिन हो जाएगा। लेट मी चेक गाइस। गाइस वैसे ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना भाई। तो ओके गाइस यहाँ पे दिन हो चुका है सच में, मैं इस बेड को तोड़ लेता हूँ और ये बेड मेरे पास वापस आ गया है भाई, यानी कि अब मैं इसको घर के अंदर लगा सकता हूँ इस बेड को। तो चलो भाई इस बेड को हम लगा देते हैं यहाँ पे इस कोने पे, ये लग गया गाइस हमारा बेड बिल्कुल दीवार के चिपक के। और देखता हूँ मेरे पास एक टेबल थी जो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ और इसके ऊपर लगाऊंगा एक लैम्प, तो चलो इसको यहाँ लगा देते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं एक लैम्प। और ये लैम्प को मैं देखो जला भी सकता हूँ गाइस, नाइस। मतलब फ़िलहाल तो अभी दिन हो रहा है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस एक अलमारी भी मैंने ली थी, क्या उसके अंदर मैं सामान रख सकता हूँ ये देखना बाकी रहेगा। बाकी मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, मैं इसको इस दीवार पे लगाने वाला हूँ इस अलमारी को। ओके एंड यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ओ भाई साहब गाइस इसमें मैं अपना सामान रख सकता हूँ, देख रहे हो? अरे यार मैंने अपना सारा की सारा मीट नीचे गिरा दिया। ओके मैंने यहाँ गिरा दिया, ये गलत जगह पर, मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना था इस तरीके से, ये देख रहे हो? एंड गाइस मुझे भूख लग गई है तो भाई खाना भी खा लेता हूँ यार। ओके यार मेरे को भूख का ध्यान रखना पड़ेगा, पता चल रहा है मैं यहाँ पे मर जाऊँ सर्वाइव करते करते तो। भाई ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं अपना सामान, मतलब मुझे स्टोरेज और भी ज़्यादा खरीदना होगा। बाकी गाइस मुझे इसकी रूफ़ बनानी है और रूफ़ बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा फाइबर, और तो भाई मैं फ़ाइबर इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे पता है फ़ाइबर कहाँ से मिलता है, ये जो छोटे वाले पेड़ होते हैं ना इनसे ही मैं फूस बना सकता हूँ और फूस की छत बनाएंगे अभी तो फिलहाल, क्योंकि हमने अपना घर लकड़ी का बनाया तो डेफिनेटली भाई जो छत है वो फूस की बनाने वाला हूँ मैं। लिटरली गाइस जब मैं जंगल के ज़्यादा अंदर तक जाता हूँ ना फार्मिंग करने के लिए तो थोड़ा डर सा लगता है भाई, क्योंकि ये गेम बिल्कुल नया है
और मैं हूँ भी जंगलों में, तो मुझे नहीं पता भाई डेवलपर्स ने इसमें कुछ जानवर वानवर भी डाले कि नहीं डाले जो खतरनाक हो सकते हैं, मतलब मेरा गेम प्रोग्रेस ख़राब कर सकते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा फिलहाल, अभी पहले अपना घर बनाएंगे भाई। कभी कभार गाइस चैलेंजिंग सा हो जाता है कि यार ये साइड वाला कैसे बिल्ड करे लिटरली, बट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भाई, तो इसको हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं रोटेट करके। ओके, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे दूसरे वाला बिल्ड करना चाहिए, ये वाला। कुछ भी बोलो गाइस, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि रिसोर्सेस इकट्ठा करने में मुझे टाइम लगा है और कुछ किसी चीज़ में टाइम नहीं लगा, बाकी तो सब फटाफट हो गया है। एंड बाकी गाइस देखो, यहाँ पे दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, या फिर शायद लगा देना चाहिए, क्या पता रात को कोई जंगली जानवर घुस जाए भाई अंदर, तो मुझे थोड़े और प्लैंक चाहिए होंगे। एंड गाइस बिल्डिंग में मैं शुरू से ही माहिर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने माइनक्राफ्ट खेला हुआ है तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बिल्ड में बना चुका हूँ, तो डेफिनेटली यार बिल्डिंग मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेट्स गो, और थोड़ा खाना खा लेता हूँ भाई, भूख भी लगती रहती है, बीच में मेरा खाना भी ख़त्म होने वाला है गाइस, मतलब मेरे को जल्दी ही मार्केट भी जाना पड़ेगा। और बस यहाँ की छत बाकी है अभी, फिर मेरा काम हो जाएगा। गाइस हमें इसमें हमें फ्लैट रूफ बनाने का ऑप्शन नहीं दिया यार, इसमें एक फ़्लैट रूफ़ बनाने का ऑप्शन भी देना चाहिए था, या फिर शायद मैं फ्लोर ही लगा सकता हूँ ऊपर। लेट मी चेक, अगर मैं फ्लोर लगा पाया तो ज़्यादा ओके गाइस, मैं फ्लोर लगा सकता हूँ ऊपर, लेट्स गो, ये तो बढ़िया हो गया यार। ये लो गाइस, यहाँ पे हमें फ्लैट रूफ़ मिल जाएगी। ओके, मुझे थोड़ा और प्लैंक चाहिए होगा भाई, प्लैंक ख़त्म हो गया मेरा, आई थिंक अब काम हो जाएगा गाइस, लेट्स गो। तो फटाफट से यहाँ के रूफ बचती है भाई, ये लो गाइस, लेट्स गो गाइस, यहाँ का काम हो गया गाइस हमारा। हमारा एक छोटा सा बाड़ा भी बन गया है, मतलब इसको बाड़ा तो क्या बोलेंगे भाई, एक तरह का मतलब यहाँ पे हम जैसे पौधे वगैरह लगा सकता हूँ, मैं अपनी छोटे मोटी खेती लगा सकता हूँ ताकि कोई जानवर आके उसको ख़राब ना करे। एंड गाइस यार घर कैसा बना है प्लीज़ यार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भाई, बहुत मेहनत लगी इस घर को बनाने में। एंड यार इसमें चिनमी वगैरह लगा सकते तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, वो तो मेरे को मार्केट पे जाके देखना पड़ेगा कि यार इसमें चिमनी वगैरह अवेलेबल है क्या, नहीं है। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मुझे लगता है गाइस हमारा आज का काम भाई हो गया, और मैं अपनी गाड़ी को बढ़िया जगह पे पार्क करूँगा। और गाइस मैं चाहूँ तो अपनी गाड़ी के लिए भी एक जगह यहाँ पे बना सकता हूँ, एक तरह का गराज आप उन लोग उसको बोल सकते हो। और भाई हमें पेड़ काट के डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ पर हम ये पेड़ काट रहे हैं ना गाइस, ये पेड़ वापस उग जा रहे हैं वहाँ से, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत सही है यार इस गेम में, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी। ओ मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद, वो ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ मैं इसमें अपना चेहरा देख सकता हूँ। लेट्स गो, मैंने अपना कैरेक्टर देखा पहली बार भाई, तो चलो गाइस हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना यार। ये देखो ये हमारा घर एकदम कोजी कोजी सा, बहुत ही बढ़िया सर्वाइव हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा बहुत खाना भी है जो कि अब ख़त्म हो गया, और थोड़ा बहुत हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो भाई अब हमें लगता है कि हमें थोड़ा खाना लाना पड़ेगा और अपने घर को थोड़ा और बढ़िया बनाना पड़ेगा, मतलब स्टोन वगैरह में बनाना पड़ेगा। और हमारे पास गाड़ी भी है भाई टाटा की, एकदम 4x4 बढ़िया पिकअप ट्रक। एंड यार गाइस अब मैं इस घर को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाने वाला हूँ, एकदम लग्जरी सा फील दूंगा, मतलब इसमें हम फ्लोर वगैरह रग वगैरह मतलब कालीन वालीन दीवारें वगैरह पेंट वेंट सब कर सकते हैं, और वो सब मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जिन भी लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने सब्सक्राइब कर लेना, अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ, क्या दिन में सोएगा, यू कैन स्लीप एट नाइट, तो चलो भाई मैं रात को ही सो पाऊँगा। फिलहाल मेरा यहाँ पे ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, मैं यहाँ पे फाइबर वगैरह ला के भर दूंगा भाई, और क्योंकि भाई मेरे को अपना घर भी अपग्रेड करने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है डेफिनेटली। एंड अब जाते हैं गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।